हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे फ्री फॉल। और फ्री फॉल में भी पहला केस करेंगे ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट। पहले तो मैं आपको बता दूं फ्री फॉल मोशन का मतलब क्या है। फ्री फॉल मोशन का मतलब वो मोशन होता है जो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर हो रहा होता है। सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर होने का मतलब क्या है? देखिए, कई लोगों के दिमाग में मिसकॉन्सेप्शन होती है कि फ्री फॉल का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट का गिरना। तो ऐसा है कि फ्री फॉल का मतलब गिरना नहीं होता। अलग बात है, लोग बोलेंगे फॉल का मतलब तो गिरना ही होता है, लेकिन देखिए फ्री फॉल में बॉल या ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल, जो भी हम जिस भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कंसीडरेशन में रख रहे हैं, वो चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, उसका नीचे जाना या ऊपर जाना डायरेक्शन मैटर नहीं करता। मैटर करता है उस पर लगने वाला फोर्स। देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एयर में चलता है तो उसके ऊपर दो फोर्स होते हैं। एक तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि उसका वेट, उस पर लगने वाला अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि उसका वेट, और दूसरा फोर्स होता है एयर का फ्रिक्शन। तो अगर हम एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दें और ऑब्जेक्ट किसी और चीज के टच में नहीं और कहीं से कोई फोर्स नहीं आ रहा सिवाय उसका वेट, तो देखिए वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड यानी कि ये नीचे की तरफ लग रहा है, ये W = mg ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड अर्थ के सेंटर की तरफ। तो किसी भी अर्थ हम लोकेशन पे हों तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा फोर्स। तो ये छोटी डिस्टेंसेस के लिए मतलब कि अगर हम हजारों किलोमीटर की बात ना करें, हम 10 मीटर 20 मीटर 100 मीटर इतनी छोटी डिस्टेंसेस की बात करें, तो इतने छोटे रेंज में ये ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट है। और अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन फोर्स अपॉन मास। तो अगर हम एक्सेलेरेशन निकालें फोर्स, तो W = mg हमारा फोर्स है उसका वेट, और उसमें हम मास से डिवाइड कर दें यानी कि अगर हम mg में m से ही डिवाइड कर दें तो हमारा एक्सेलेरेशन निकल आएगा, और वो एक्सेलेरेशन कुछ और नहीं जी यानी कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने बताया कि वैसे तो हर जगह पॉइंट टू पॉइंट अर्थ में बदलती है, बट मैंने बताया कि छोटी डिस्टेंसेस के लिए कांस्टेंट ले सकते हैं, बड़ी डिस्टेंसेस में जी भी बदलने लगता है। ग्रेविटेशन के चैप्टर में हम लोग करते भी हैं। तो अगर छोटी डिस्टेंसेस के लिए जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, तो जो फ्री फॉल का मोशन है जहां पे ऑब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो वो एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बन जाता है। एक ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कांस्टेंट हो, ऐसे मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। और फ्री फॉल एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 10 ले लेंगे, और डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, वो सिर्फ और सिर्फ अपने वेट की वजह से चल रहा है, तो हम उसको फ्री फॉल कहते हैं। तो ये हो गई फ्री फॉल की डिफिनेशन। अब हम आते हैं फ्री फॉल में क्या क्या केसेस बन सकते हैं। तो हम लोग जब क्लास में करते हैं, जब मैंने क्लास में कराया था, तो मैंने तीन केसेस में बांट करके फ्री फॉल के क्वेश्चन कराए थे। पहला केस मैंने कराया था कि किसी ऑब्जेक्ट को सिंपली ड्रॉप कर दें। ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो से छोड़ दिया। तो केस वन, ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट, तो ऑब्वियसली वर्टिकली डाउनवर्ड वो नीचे चला आ रहा होगा, पहला केस। दूसरा केस होगा कि ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड से थ्रो करें अपवर्ड डायरेक्शन में। और केस थ्री होगा किसी हाइट से अपवर्ड या डाउनवर्ड थ्रो करना। तो देखिए, ग्राउंड से थ्रो करना और किसी हाइट से अपवर्ड या डाउनवर्ड थ्रो करना, ये दो अलग अलग चीजें हो जाएंगी, इसलिए दो अलग अलग केस में मैंने इनको बांट लिया था। तो तीन केस हो गए टोटल। ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट, किसी हाइट से हमने रेस्ट से ड्रॉप कर दिया। दूसरा केस है कि हम किसी को वेलोसिटी देके हम बॉल को छोड़ रहे हैं, तो हम ग्राउंड से दे सकते हैं, ग्राउंड से ऊपर जाए और फिर वापस आए, पूरा कंप्लीट जो उसका मोशन हो। और थर्ड केस हो सकता है कि हम किसी हाइट से अपवर्ड या डाउनवर्ड थ्रो करें। तो एक ड्रॉप वर्ड होता है और एक थ्रो होता है, और ड्रॉप और थ्रो में यहाँ पे वेलोसिटी का डिफरेंस होता है। तो हम लोग पहला केस करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट। देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक बिल्डिंग की हाइट है एच। इसके ये बिल्डिंग की हाइट एच समझ लीजिए, मिनारेट समझ लीजिए, कोई ऐसे ही रैंडम हाइट ले लीजिए। इस हाइट एच से एक ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप कर दिया यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो जीरो मैंने लिख दिया। और उसके मोशन को एनालाइज करना है, तो सबसे पहले देखिए, जैसे ही आप उसको रेस्ट से ड्रॉप कर दोगे तो उस पर तुरंत ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लगेगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी आ जाएगा। अब फोर्स अगर डाउनवर्ड लगेगा तो ऑब्जेक्ट नीचे चलने लगेगा, तो वेलोसिटी भी डाउनवर्ड आ जाएगी। अब देखिए, वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है और एक्सेलेरेशन भी डाउनवर्ड है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर आपने मेरा एक्सेलेरेशन वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने क्या बताया था उस वीडियो में, मैंने बताया था जब वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड बढ़ती है। इसीलिए जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा तो इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी, और जब ये बिल्कुल ग्राउंड पे स्ट्राइक करने वाला होगा तो इसकी स्पीड अपने पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट की, पूरे मोशन की, जर्नी की मैक्सिमम स्पीड पे होगा।
तो अब हमें इसके मोशन को एनालाइज करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं, और हम इसके मोशन के ग्राफ भी बनाएंगे। सबसे पहले एक्सेलेरेशन, तो भाई एक्सेलेरेशन तो जी ही है। अब वो जी कैसा लिखे, प्लस जी या माइनस जी लिखे, तो ये साइन कन्वेंशन पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव लूंगा तो माइनस जी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस लूंगा तो प्लस जी है। तब आप पूछोगे कौन सा साइन कन्वेंशन सही है, तो देखिए साइन कन्वेंशन आर्बिट्ररी होता है, रैंडम होता है, अपनी मर्जी से आप कुछ भी ले सकते हो, बिल्कुल अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। प्लस जी या माइनस जी कोई कंफर्म नहीं है, अगर बुक में या क्वेश्चन में दे ना रखा हो तो आप कुछ भी ले सकते हो, बट अगर बुक में लिखा है कि यही लेना है, टेकिंग अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, तब तो आपको एक्सप्रेशन को माइनस जी ही लिखना पड़ेगा। बट अभी मेरी मर्जी है तो मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया, तो मैंने लिखने जा रहा हूँ एक्सलेशन इज इक्वल टू प्लस जी, कोई दिक्कत नहीं आता। अब आते हैं वेलोसिटी, वी निकालते हैं। तो वी आपको देखिए यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन है, फ्री फॉल एक यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन का एग्जांपल है। वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो यू मैंने लिखा जीरो, ए लिखा जी, टी लिखा टी, और ए मैंने प्लस जी लिखा, तो ये बन गया वी इज इक्वल टू जी टी। ठीक, अब वी इज इक्वल टू जी टी कई चीजें बता रहा है, एक तो ये बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वी की वैल्यू बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। अच्छा किस महीने में बढ़ेगी, तो 1 सेकंड के बाद जी, 2 सेकंड के बाद 2G, 3 सेकंड के बाद 3G, 4 सेकंड के बाद 4G, nth सेकंड के बाद ng, यानी कि जो वेलोसिटीज होंगी वो किस रेशियो में होंगी, वो 1:3:3, 3:4:5, ये आफ्टर nth सेकंड आप देखोगे, तो मतलब अगर आप एक एक सेकंड के इंटरवल लो तो 1:2:3 लीनियरली बढ़ रही है। अब अगर ये लीनियरली बढ़ रही है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो देखिए अगर हम v को y एक्सिस पे लें और टाइम को x एक्सिस पे लें, तो y इज इक्वल टू mx का ग्राफ बनेगा। y इज इक्वल टू mx का ग्राफ कैसा होता है, तो y इज इक्वल टू mx का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। कैसी स्ट्रेट लाइन, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, और जी हमने पॉजिटिव लिया है तो स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव आएगी। तो ये देखिए पॉजिटिव स्लोप की हमने एक स्ट्रेट लाइन बना ली, वी इज इक्वल टू जी टी की। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा वी टी कर्व। अच्छा आप बोलोगे ए टी कर्व में कहाँ खा गया, तो ये रहा ए टी कर्व, भाई एक्सेलेरेशन तो कॉन्स्टेंट है ना प्लस जी, ये रहा आपका ए टी कर्व, ये रहा आपका ए टी कर्व, ये रहा आपका ए टी कर्व, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, ये एक्सेलेरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट ग्राफ बन गया, ये वीटी कर्व बन गया। अब आते हैं एसटी कर्व, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट तो हमें मालूम है एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ईटी स्क्वायर से निकालना चाहिए, तो एस की जगह हमने क्या किया, मान लिया कि टी टाइम में ये जो ऑब्जेक्ट है वो एच चला है, ये रहा एच, तो डिस्प्लेसमेंट एच। डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्ड हमने पॉजिटिव मानी तो प्लस एच, यूटी यू जीरो था, प्लस हाफ ईटी स्क्वायर ए हमने प्लस जी लिखना है, हाफ जीटी स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू हाफ जीटी स्क्वायर। अब h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर का मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ कैसे चल रहा है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 1:4:9:16 के रेशियो में टोटल डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। तो अब ये अगर एस टी कर्व इसका बनाएंगे तो देखिए y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो पैराबोला बनाती है, और उसमें जो एक्स स्क्वायर है उसका कॉफिशियंट अगर पॉजिटिव होता है तो कॉनकेव पैराबोला बनता है। तो ये देखिए मैंने डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ग्राफ बनाया, और ये ग्राफ बनने वाला है कॉनकेव पैराबोला, और ये कॉनकेव पैराबोला टी इक्वल टू जीरो पे एच जीरो था इसलिए मैंने जीरो से स्टार्ट किया है, और ये रहा हमारा कॉनकेव पैराबोला जीरो से जाने वाला, ये रहा एच टी कर्व कॉनकेव पैराबोला। तो हमें ए टी कर्व बना लिया, हमने वी टी कर्व बना लिया, हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व बना लिया, ए टी कर्व बना है कॉन्स्टेंट, वी टी कर्व बना है स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व बना है कॉनकेव पैराबोला, इक्वेशंस निकाल ली हैं, v इज इक्वल टू जी टी, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, फ्री फॉल की मैंने मीनिंग बता दी है, क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको बेसिक समझ में आया होगा कि हम फ्री फॉल मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट होता है उसको एनालाइज कैसे करते हैं, बेसिक उसकी इक्वेशंस कैसे हैं।